कोई है भाई? हेलो हेलो जी हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। बोल 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 बोल। नहीं नहीं भाई साहब, स्टेडियम नहीं आएंगे, स्टेडियम बढ़िया जगह नहीं है। आप पैलेट पर आ जाइए यदि आपको लड़ाई करनी है तो। सो है गाइस, क्या हाल चाल? आयुब सारे सरचों के तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें तबाही हमेशा दबा के होने वाली है यार। और छोटा सा एग्जांपल तुमको प्लेन में ही दिख, मतलब प्लेन में ही मारामारी चालू हो ही गई थी, और उसके बाद हमने ही बोले कि भाई पायलट पास आ जाओ, हमारी आवाज़ तुम लोग गेम प्ले पे आएगी नहीं, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके ही बता दिया कि मैंने वहाँ क्या बोला था, क्योंकि मुझे याद है अभी का ही गेम प्ले था, ताजा शाम का ही। तो यहाँ पास पहले एक दो स्क्वाड आते हैं, तो उनको बजा लें फिर बकायदी ऑन करते हैं। एक स्क्वाड एल पे दिखी, तो भाई साहब बात करना अच्छी चीज होती है, लेकिन हमको स्कूल में भी सिखाया गया कि भाई समझदार आदमी वही है जो बात करते करते अपना काम कर ले, लेकिन इन बंदों के अंदर शायद ये नॉलेज नहीं था, इसीलिए लोग सिर्फ बात करने में रुके रहे और हम लोग जंप करके आ गए, क्योंकि हमको पता था कि भाई इतने मीटर के बाद हमको जंप कर देना है, लेकिन इनको ये चीज नहीं पता, इसलिए लोग लेट लैंडिंग किए। अब ये लैंडिंग की है या फिर इनको उतारने वाला जो था वो महंगा माल ले रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बजा दिया ही गया है। उसके बाद यहाँ पास एक और स्क्वाड होती है, तब उनको बजाने के लिए निकलते हैं यार। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक कमाल के बेटिंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है 1xBet, जिसे आप बेट लगाकर कमाल के पैसे अर्न कर सकते हो। तो यार जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि इस समय आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो यार जिसके पास भी क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज है वो यहाँ जाकर अपना लक आजमा सकता है यार। और आईपीएल इन इसमें और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे ई स्पोर्ट का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, और इसमें इस समय बेस्ट ऑफर चल रहा है, मतलब यार इसमें यदि आप $10 से ऊपर की बेट लगाते हो तो जीतने पर तो आपको पैसे मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पास हारने पर भी आपको $10 तक का रिफंड हो जाएगा। और इसमें अपने जीते हुए पैसों को विड्रॉ कराना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लिटरली काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यार। और यदि यार तुम डाउनलोड करने के बाद साइन अप करते समय मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो तुमको अच्छा खासा बोनस भी मिल सकता है, मतलब फिर पैसे ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यार तुम इसे एक बार जरूर ट्राई दे सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ डाउनलोड करो, एक बार ट्राई देना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग एकदम ओपन से आ रहे हैं, इनके ध्यान बटता रहे। एस्टुअर के लेके आ रहे हैं, ऊपर है, ऊपर है एस्टुअर के लेके। हमारे ऊपर भरने आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये उनके लिए एग्जांपल था जो कि कमेंट पे लिखते हैं कि भाई तू एस्ट्रोलपे चलाता है, तू एस्ट्रोलपे क्यों चलाता है, तू नूब है, तू ये है। देखो नूब होना कोई बुरी चीज नहीं है, अपन है बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि अपन यहाँ किसी को अपनी प्रोनेस दिखाने नहीं आए हैं, लेकिन एस्ट्रोलपे यूज करने की बात है। तो भाई साहब देखो, हमको रोज गेम प्ले बनाना है, मतलब प्रेशर रहता है दिमाग पे रोज गेम प्ले बनाने का। तो भाई साहब यदि शाम तक गेम प्ले नहीं बनता है तो फिर हमको एस्ट्रोलपे चलानी पड़ती है, क्योंकि भाई गेम प्ले तो चाहिए तुमको, अगर गेम प्ले नहीं आएगा तुम लोग गुस्सा हो जाओगे, तो चलानी पड़ती है। लेकिन आज अपन एस्ट्रोलपे नहीं चलाएंगे, अपन चलाएंगे MK14। परेशान नहीं होने का, अभी के लिए बस लिया है, अभी ड्रॉप कर देंगे आगे चलकर। तो डिस्कशन कंप्लीट हो गया हो तो जरूरी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने उठा ली गाड़ी। तो जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में होना बहुत ज्यादा हार्ड है यार। हेड लगा, तो
तो भाई साहब यहाँ पर चेस भैया को काफी ज्यादा जल्दी थी बंदे को मारने की, इसलिए वो ओपन में ही कूद जाते हैं और कूदने पर उनकी हेल्थ आधी हो जाती है और आधी के बाद जो बची हेल्थ होती है वो बंदा डाउन कर देता है, और उसके बाद जब बंदा डाउन कर देता है तो बंदा फिनिश कर देता है क्योंकि भाई उसको जब सामने अपनी मौत दिख रही है तो वो तो फिनिश ही करेगा। काफी नॉलेज है वैसे मुझे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब ये कॉन्करर लॉबी है क्योंकि मैंने थंबनेल में कॉन्करर का पीएनजी बना के लगा दिया है, तो बंदे बोलेंगे भाई कॉन्करर तो तू है नहीं, तो भाई साहब मैं बता चुका हूँ कि यस और शैडो दोनों अभी भी कॉन्करर है, तो ये कॉन्करर लॉबी ही हुई। ओ भाई तो दिस इज द पावर ऑफ 53 बुलेट्स भैया, तो 3 गन के सामने बिल्कुल हिलाना चाहिए, जिसमें से पहली आती है पीपी बिजॉन बाइजन बोजन जो भी बोलते हूँ, दूसरी DP28 और तीसरी M249 और हाँ और टॉमी, क्योंकि भाई साहब इनमें होती है पर्याप्त मात्रा में बुलेट, इतनी बुलेट की तुमको नॉक और फिनिश करने के लिए काफी है। अबे तुम लोग में बोले जा रहा था माइक ऑफ करके कि इधर बंदा लेता हुआ है इधर बंदा लेता है, तुम उनके सामने लूटते हैं। बहुत बढ़िया, लॉजिक तो है ही नहीं। अच्छा तो मतलब हम लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। ओके भाई, हमारे क्लाइंट का लीडर जब इतना ज्ञानवान हो सकता है तब सोचो हम कितने ज्ञानवान होंगे। उसके बाद परेशानी होने के MK14 उठा ली गई है, अब MK14 से तबाही की जाएगी। चलो आज देख ही लेते हैं कि MK14 ज्यादा बेस्ट है या S12 के, क्योंकि भाई S12 के लेके बंदे हमारे ऊपर फाइट करने आएंगे ही और हम तो MK14 चला के बताएंगे ही, तो तुम खुद ही डिसीजन निकाल लेना कौन अच्छी है, उसके बाद मैं तो लास्ट में बता ही दूंगा। तो भाई साहब इन लोगों से टीपीपी लेने के बावजूद भी स्टॉल्ट नहीं चल रही है, मतलब इनके चार के चार बंदे टीपीपी लेते हुए स्टॉल्ट का यूज कर रहे थे सभी। नोटिस करो तुम अगर ध्यान से, तो पहला बंदा अंदर कोने में टीपीपी ले रहा था, दूसरा बंदा दरवाजे के पास टीपीपी ले रहा था, तीसरा बंदा बाहर भागते भागते टीपीपी लिया, और चौथा बंदा सीढ़ी के पास टीपीपी लिया, और टीपीपी लेने के बावजूद भी स्टॉल्ट नहीं चल रहे इनसे, या फिर वो अच्छे चलाते हो लेकिन हम उसे ज्यादा अच्छे चलाते हो, मतलब अपनी तारीफ हाँ करनी पड़ती भाई, आधा वीडियो होने वाला थोड़ा सा तो कर देना, यू नो लाइक मोटिवेशन हाई होता है। Enemies ahead. सामने कह रहे जैसे बाहर वाले बंदे हो, फिर एनिमी हेड उधर कर रहा है। उसका बाद यहाँ पास देखना किल चोरी करने की भूख। तो भाई साहब फाइनली आई गॉट इट। अब तुम लोग बोलोगे भाई ऐसा क्या हो गया, तो भाई साहब हो ये गया है कि मेरा पूरा एम उस नॉक बंदे को फिनिश करने में था, क्योंकि भाई वो दूसरे का किल था, तो इसीलिए मैं सबको इग्नोर कर रहा था, सिर्फ वो नॉक बंदे किल मुझे चाहिए, तो मैं पूरे टाइम स्मोक के चारों ओर घूम रहा था कि जैसे स्मोक खत्म होगा ये किल मैं लेके जाऊंगा, और फाइनली मिल जाता है यार, उसकी खुशी अलग लेवल की होती है यार, बाकी स्क्वाड वाइफ में इतनी खुशी नहीं मिलती है, जो तुम सोच लो वो कर लो तो उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। वाह, कभी कभी लगता है यार अपन बाबा बन जाए, काफी अच्छा ज्ञान देते हैं। तो सर तुम यहीं से यार तुम फाइट करो, अपन जा रहे हैं क्लोज में फाइट करने, क्योंकि भाई AWM वाली फीलिंग आ नहीं रही अभी, तो क्लोज में ही फाइट करते हैं क्योंकि भाई MK14 हाथ में तो पूरी पावर अपने साथ में, समझ रहे हो ब्रो, राइमिंग बोलते हैं इसको।
शीशे का इज्जत दबा देगा। अबे रिया था हारियो है लो लड़की ना देखो अरे 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 भाई अभी अभी हेल्पफुल करके गया था और अभी खत्म कर दी। गलत लक खराब है। अभी मेरे मन में डाउट हो रहा था कि उसको पता कैसे चला कि मैं आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो नॉक बंदे को फिनिश करने के लिए डब्ल्यूएम से स्नाइप किया था, लेकिन उसी समय शैडो ने उसको फिनिश कर दिया और मैं वहां से निकला, तो मेरे ऊपर बुलेट लग गई। काफी खतरनाक घटनाएं मेरे साथ घटित होती है यार। ठीक है हो गया, छोड़ दे ज्यादा। मैं यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ कि भाई साहब सिर्फ एक शॉट मिस था, बाकी सब हेड पे थे, सारे के सारे हेड पे थे। मैं एकदम आराम से देख के मार रहा था, लेकिन भाई नशे नशे भाई नशे। पबजी मोबाइल लाइट को लगता है नशे करते करते ही बनाया गया है और ये नशे में ही रहेगा पूरे टाइम। कुछ नहीं कर सकते भाई इस गेम का। ले वो भी दिखाने लगा होता था, उसको नहीं दिखाना था, उसको नहीं दिखाना था। तो भाई साहब यहाँ पर डिसाइड होता है कि भाई हम AWM से बंदे को मारेंगे। तोड़ते हुए जा रहे। अरे क्लोज रेंज ऑफ, क्लोज रेंज AWM। तो भाई साहब जब तक ये M416 चला रहे थे तब तक अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने स्टॉल के उठा ली, ये बात दिल पे लग गई यार। उसे दिल पे लगी हो ना लगी हो, हवा जरूर निकल गई थी। तो फटाक से अपन ने गन स्विच किया और बजा दिया। तो यार जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि MK अच्छी है स्टॉल की अच्छी है, तो मेरे हिसाब से इसका एक सही एग्जांपल ये है कि तुमने अगर क्रिस 3 देखी हो तो उसमें हीरो और विलन मतलब क्रिस और काल दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन वहां पर काल को तुम स्टॉल के समझ सकते हो और क्रिस को तुम MK14 समझ सकते हो, क्योंकि ये मेरा नजरिया है। बाकी तुम्हारा नजरिया क्या कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया होता है यार। बाकी गन दोनों खतरनाक है, बस चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। बकैती खत्म करके यार वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।